क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, या फिर स्पेस में अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का बना पानी क्यों पीते हैं? अच्छा, क्या आप किसी ऐसे सुअर के बारे में जानते हैं जिसने एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, नरेंद्र मोदी का घड़ी पहनने का अंदाज औरों से अलग है। अगर आपने कभी उनके हाथ पर नोटिस किया हो तो देखा होगा कि मोदी जी हमेशा उल्टा घड़ी पहनते हैं। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? दरअसल मोदी जी उल्टी घड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें मीटिंग के दौरान समय देखना होता है, तो वो ये नहीं चाहते कि सामने बैठे लोगों को इसका पता चले। मीटिंग के दौरान कलाई घुमाकर बार बार घड़ी देखेंगे तो इससे मीटिंग में बैठे लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो उल्टी घड़ी पहनने को लकी समझते हैं। वो अक्सर स्विस कंपनी मोवाडो की घड़ियां पहनते हैं जिसकी कीमत करीब 60 से 70 हजार रुपए के बीच में है। पीएम को ब्लैक बेल्ट वाली घड़ियां बेहद पसंद है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं स्पेस में टॉयलेट से बना पानी पीते हैं? जी हाँ, दरअसल धरती से स्पेस स्टेशन तक पानी ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल है। धरती से स्पेस तक पानी एक सीमित मात्रा में ले जाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को कहीं बाहर से और कोई पानी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने टॉयलेट को रिसाइकल कर बार बार इस्तेमाल करना होता है, जिसे वो पीते भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2009 में नासा ने स्पेस सेंटर में वाटर रिकवरी सिस्टम लगाया था। तब से एस्ट्रोनॉट्स अपने ही टॉयलेट रिसाइकल करके पीते हैं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि ये रिसाइकल करने के बाद एकदम शुरुआत की तरह ही बेहतर हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अब आप इस जानवर को देखिए। इस इमेज को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये रियल है या एडिटेड। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये फोटो बिल्कुल रियल है। ये इमेज एक सांड की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी सांड होता है, तो बता दें कि सांड के इस ब्रीड को बेल्जियम ब्लू बुल कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के सांड सेंट्रल और उत्तरी बेल्जियम में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के सांड काफी ज्यादा मस्कुलर होते हैं। इन सांडों में इस तरह की जबरदस्त मस्कुलर होने की वजह कोई मेडिसिन या पौष्टिक आहार नहीं है, बल्कि इनके शरीर में नेचुरली डबल मस्कुलिंग होती है। दरअसल इन सांडों में एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ वजह एक खास किस्म के प्रोटीन की कमी से होती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप किसी ऐसे सुअर के बारे में जानते हैं जिसने एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया था? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका में साल 1642 में एक सुअर ने एक आंख वाले मरे हुए डिफॉर्म्ड बच्चे को जन्म दिया। सुअर का ये बच्चा एक इंसान की तरह दिख रहा था जिसका चेहरा बिल्कुल अलग था, लेकिन वहाँ के लोगों ने दावा किया कि सुअर के बच्चे का चेहरा जॉर्ज स्पेंसर से मिलता है, क्योंकि जॉर्ज स्पेंसर के पास भी सिर्फ एक ही आंख थी और उसकी दूसरी आंख खराब थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्रवाई के बाद पता लगा कि जॉर्ज ने ही फीमेल सुअर के साथ संबंध बनाया था, जिस कारण सुअर ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो एक आदमी और सुअर का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से इल्लीगल संबंध का आरोप लगाते हुए जॉर्ज स्पेंसर को मौत की सजा दे दी गई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप किसी ऐसी नौकरी के बारे में जानते हैं जिसमें आपको बस बैठकर खाना है और खाने के बदले आपको पैसे मिलेंगे? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। दरअसल द बोटैनिस्ट नाम के इस रेस्टोरेंट में पोटैटो टेस्टर की जरूरत है। इस पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को हर दिन आलू से बनी अलग अलग डिश को टेस्ट करना होता है और इसके बदले में उन्हें हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। आलू के अलावा इस जॉब के लिए चुने गए शख्स को 4 तरह के नॉन वेज डिश को भी टेस्ट करना होता है। अगर आप इस जॉब के लिए खुद को सही समझते हैं तो बोटैनिस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई इंसान वेट गेन या लूज करता है तो उसके शरीर से मोटापा यानी कि सारा फैट कहाँ चला जाता है? दरअसल फैट और कार्बोहाइड्रेट से जो भी कैलोरी मिलती है वो सेल के अंदर फैट के फॉर्म में जमा हो जाती है, ताकि शरीर आगे के लिए इसे एनर्जी के लिए बचा कर रखे। अब समय के साथ साथ जब इस एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो फैट सेल बनने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी शेप में बदलाव आता है, और वहीं फैट सेल के सिकुड़ने से आपका मोटापा कम हो जाता है, आप पतले नजर आते हैं, और इन्हीं फैट सेल के फैलने से आपका मोटापा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि स्पेस में गए लोगों की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और क्या उनकी ये हाइट परमानेंट बढ़ जाती है? दरअसल जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वहाँ कुछ दिनों के बाद उनकी हाइट करीब 3% इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर कोई 6 फीट का एस्ट्रोनॉट स्पेस जाता है तो उसके जाने के बाद उसकी हाइट करीब 6 फीट 3 इंच हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी कंप्रेस नहीं होता और स्पेस में हाइट बढ़ती है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौटते हैं तो 2 से 4 महीने में उनकी हाइट पहले जैसी हो जाती है, यानी कि जो हाइट उनकी स्पेस जाने से पहले थी वही वापस हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, डाक के जरिए लेटर्स तो आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी भेजे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन क्या आपने कभी मिसाइल से चिट्ठी भेजा है? आपका जवाब नहीं में होगा। दरअसल चिट्ठियों को जल्दी टाइम पर पहुंचाने के लिए साल 1959 में अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से चिट्ठी भेजने का फैसला किया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएस ने 3,000 चिट्ठियों को सिर्फ 22 मिनट में वर्जीनिया से फ्लोरिडा तक भेज दिया था। आपको बता दें कि वर्जीनिया और फ्लोरिडा की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। हालांकि एक्सपेरिमेंट काफी महंगा साबित हुआ, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। फैक्ट नंबर 2,
आपने कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सुना होगा और उसे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा भी होगा। अक्सर रूल तोड़ने वाले को पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन अगर आप अमेरिका के एरिजोना में रोड पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर या खतरे के साइन को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आगे बढ़ने पर आपकी कार किसी जगह पर फंस जाती है या कोई भी हादसा हो जाता है, तो फिर आपके रेस्क्यू में जितना भी पैसा खर्च होगा पुलिस वो सारा पैसा आपसे वसूल करेगी। इस रूल का नाम स्टूपिड मोटरिस्ट लॉ है, जिसमें पुलिस को पैसे वसूल करने का पूरा अधिकार मिलता है। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों अक्सर पब्लिक प्लेस पर पीने का पानी और शौचालय के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे रूल के बारे में जानते हैं जहां ये बताया गया है कि ये पानी और वॉशरूम फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन सराइस एक्ट के 1867 के अनुसार आप किसी भी होटल में फ्री में पानी और बाथरूम यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, चाहे वो होटल कोई सा भी क्यों ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।